नमस्ते फ्रेंड्स, सपनाज रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तीन अलग अलग तरह के मिल्कशेक। गर्मी का मौसम है तो ठंडा ठंडा मिल्कशेक किसे नहीं पसंद आएगा। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे मैंगो मिल्कशेक। तो मैंगो मिल्कशेक बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है एक बड़े आम का पल, एक ग्लास ठंडा दूध, 3 से 4 बड़े चम्मच चीनी और यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच मलाई का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले हम मिक्सर के जार में मैंगो के पीसेस लेंगे। इसमें हम डालेंगे मलाई। मलाई के बदले आप मैंगो आइसक्रीम या वैनिला आइसक्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मलाई की वजह से मिल्कशेक हमारा एकदम क्रीमी बन जाता है। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें चीनी। चीनी की क्वांटिटी आपके हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम डाल देंगे दूध और बस इसको चला देंगे। और इस तरह से ये ठंडा ठंडा और क्रीमी मिल्कशेक हमारा रेडी हो चुका है। हम इसको सर्व करेंगे और ऊपर से मैंगो के पीसेस डालकर हम इसको गार्निश करेंगे। और बस ये हेल्दी मैंगो मिल्कशेक हमारा रेडी हो चुका है। तो इसके बाद हम देख लेंगे तरबूजे का मिल्कशेक। तो तरबूज का मिल्कशेक बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 1 कटोरी कटा हुआ तरबूज, इसके बीज हमने निकाल दिए हैं, 1 ग्लास ठंडा दूध और 2 बड़े चम्मच फ्रेश मलाई ली है और 3 से 4 बड़े चम्मच चीनी। तो सबसे पहले हम मिक्सर के जार में लेंगे तरबूज के पीसेस। इसमें हम डाल देंगे ठंडा दूध। अगर आपको ज़्यादा ठंडा पसंद है तो आप इसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे चीनी और लास्ट में हम इसमें डाल देंगे क्रीम या मलाई और बस इसका लीड लगा के हम इसको चला देंगे। और इसी तरह से ये तरबूजे का मिल्कशेक भी हमारा तैयार हो चुका है। हम इसको सर्व करेंगे और ऊपर से तरबूजे के पीसेस डाल के हम इसको गार्निश करेंगे। और इस तरह से ये क्रीमी और हेल्दी तरबूजे का मिल्कशेक हमारा पीने के लिए एकदम रेडी हो चुका है। तो इसके बाद हम देख लेंगे एप्पल मिल्कशेक। ये भी बहुत आसान है। तो एप्पल मिल्कशेक बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 1 बड़े एप्पल के पीसेस, 1 ग्लास ठंडा दूध और 3 से 4 बड़े चम्मच चीनी। तो सबसे पहले हम मिक्सर के जार में एप्पल के पीसेस लेंगे। इसमें डाल देंगे 3 बड़े चम्मच चीनी। चीनी की क्वांटिटी आप आपके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे दूध। दूध डालने के बाद ही हमें चलाना है, वरना ये एप्पल के पीसेस काले पड़ जाते हैं। तो कुछ देर चलाने के बाद ये इस तरह से बन जाएगा, आप देख सकते हो। तो अब हम इसको छान लेंगे। तो मैंने यहाँ एक छलनी का इस्तेमाल किया है। ये जो ऊपर का पार्ट है इसे हम निकाल देंगे और इस प्रकार से ये एप्पल मिल्कशेक भी हमारा तैयार हो चुका है। हम इसको सर्व करेंगे और ऊपर से एप्पल के पीसेस डाल के हम इसको गार्निश करेंगे। और इस प्रकार से ये एप्पल मिल्कशेक हमारा पीने के लिए रेडी हो चुका है। तो आपने देख लिया, बहुत ही टेस्टी, इजी और क्रीमी हेल्दी मिल्कशेक हमारे पीने के लिए एकदम रेडी हो चुके हैं। आप भी इस मिल्कशेक की रेसिपी को ज़रूर बना कर देखिए। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के एंड में जो मेरा लोगो आएगा इस पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें। बेल बटन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी अपलोड की हुई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जल्द ही मिलते हैं इसी तरह की एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।